क्रीम रिव्यू स्ट्रोक हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो स्ट्रोक क्रीम का रिव्यू, साथ ही इनका कंपैरिजन वीडियो भी हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही बहुत ही अच्छी स्ट्रोक क्रीम है, बहुत ही अफोर्डेबल है। एक अच्छी स्ट्रोक क्रीम का आपकी वैरायटी में होना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको एक एक्स्ट्रा ग्लो मिलता है, आपको हेल्दी स्किन मिल जाती है। एक अच्छा स्ट्रोक क्रीम का होना आपकी वैनिटी में बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रोक क्रीम से आपकी स्किन बहुत ग्लोई हो जाती है, फाउंडेशन आपका बहुत ही फ्लॉलेस लगता है। साथ ही एक अच्छे स्ट्रोक क्रीम को आप एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ग्लो मिलता है, ट्रस्ट मी। आज तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट हाँ, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉट एंड की स्ट्रोक क्रीम, जो कि है स्ट्रॉबेरी ड्यू इन द स्पॉटलाइट स्ट्रोक क्रीम, प्रो वाइटामिन B5 एंड नाइसिनामाइड, 30 ml क्वांटिटी मिल जाती है आपको, और इसका प्राइस है 345 rupees। आपको इजीली अवेलेबल होगा ये मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नायका, अमेजोन, एवरीवेयर, और यहाँ तक कि डॉट इन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में आपको ये मिल जाएगा। 36 मंथ की इसकी शेल्फ लाइफ है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको बेयर स्किन पे भी यूज कर सकते हो, फाउंडेशन में मिक्स करके यूज कर सकते हो, एज अ हाइलाइटर आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल स्ट्रोक क्रीम है। इसकी आउटर पैकेजिंग, आउटर बॉक्स मैंने फेंक दिया है, इनर पैकेजिंग कुछ ऐसी है, क्यूट रेड एंड वाइट ट्यूब पैकेजिंग है इसकी। बिल्कुल ही क्रीम लाइक टेक्सचर है इसका, और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करोगे ये रेडिश हो जाता है। आई होप यू कैन सी, और बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है ये। तो अगर आप ऑयली स्किन के हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसकी स्मेल, ओह माय गॉड, इतनी डिलीशियस स्मेल आती है, प्योर स्ट्रॉबेरी स्मेल है इसकी, और ग्लो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लो देता है। आई होप कि आप देख पाओ सी डिफरेंस आप देख। और अगर आप इसे फाउंडेशन के नीचे लगा रहे हो, फिर फाउंडेशन लगा रहे हो, तो आपका फाउंडेशन इतना फ्लॉलेस लगता है, इतना ज़्यादा ग्लोई लगता है, जीवी लगता है। मीन्स आप अगर ड्राई स्किन के हो तो बिल्कुल आँख बंद करके आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक क्रीम है ये विद अफोर्डेबल साइज की स्मेल। ओह माय गॉड, बहुत ही यमी स्मेल है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वालॉजिका की स्ट्रोक क्रीम। इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ ऐसी है, ये है एक्वालॉजिका रेडियंस प्लस पुश स्ट्रोक क्रीम, वाटरमेलन एंड नाइसिनामाइड, इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रेट, पिंक ग्लो। इसमें आपको मिल जाता है 30 grams ऑफ प्रोडक्ट, और इसकी MRP है 599 rupees। बट दोनों ही स्ट्रोक क्रीम पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल्स ऑयल फ्री है, बिल्कुल सेफ है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। और जैसे कि डॉट इन की को आप बेयर स्किन या फिर मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके, फाउंडेशन के साथ मिक्स करके, ब्लश के साथ मिक्स करके, या फिर एज इट इज हाइलाइटर की तरह भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। बिल्कुल अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, ब्लू एंड पिंक, क्यूट गर्ली पैकेजिंग है इसकी। वाटर बॉक्स के साथ साथ इसमें सारी डिटेल्स आपको इसकी बैक साइड पर मिल जाएगी। इसमें कोई स्मेल नहीं है, आई थिंक इसमें कोई स्मेल नहीं है। यस, फ्रेग्रेंस फ्री है ये।
बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जा रहा है और बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल ही एक सीरम या फिर जेल की तरह एब्जॉर्ब हो जा रहा है ये, और ग्लो भी बहुत ही अच्छा दे रहा है ये। इसमें और डॉट एन की वन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कैमरे पर उतना अच्छा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बट मैं सामने से आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही कम डिफरेंस मिलेगा आपको। इवन डॉट इन की स्ट्रोक क्रीम ज़्यादा ग्लोई है कंपैरिजन टू एक्वालॉजिका, प्लस प्राइस वाइज देखा जाए तो भी दोनों में बहुत ही फर्क है। वो 345 रुपीज़ ओनली एंड ये 599 रुपीज़। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर एक बार एक अच्छी स्ट्रोक क्रीम यूज़ करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप डॉट इन की स्ट्रोक क्रीम ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाइएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी स्ट्रोक क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बेटर लगती है। मुझे डॉट इन की अच्छी लगती है, हो सकता है आप में से कई लोगों को एक्वालॉजिका की अच्छी लगती है, तो जस्ट माई ओपिनियन, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसी लगी दोनों। आपको जो बेटर लगती, आपको जो अफोर्डेबल लगती, आप वो ले सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रही कि आप यही लीजिए या फिर ये बेस्ट है, नो, मैं ये भी फोर्स नहीं कर रही कि आप लीजिए ही। अगर आपको ज़रूरत है उस चीज़ की तो ही आप लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है बिना वजह के पैसे वेस्ट करने का। ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।